Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सुप्रीम कोर्ट में पानामा फैसले पर शरीफ खानदान की नजरसानी अपीलों पर समाअत का आगाज जस्टिस आसिफ सईद खोसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्ज बेंच समाअत कर रहा है। वजीर आजम और अपोजिशन से चेयरमैन नैब की तकरीरी का इख्तियार वापस लेकर चीफ जस्टिस साहिबान को दिया जाए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुतालबा, कहा जैसे नवाज शरीफ का ना अहल करार दिया गया वैसे ही पानामा केस में मौजूद 436 अफराद का एहतसाब चाहते हैं। नैब ताखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहा है, नैब के पास 2 दिन का वक्त है, फैसला ना दिया तो सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला देगी। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू, कहां उम्मीद है उदयविया पेपर मिल्स केस का ट्रायल होगा और पूरा खानदान मुलव्वस निकलेगा। वजीर आजम शाहिद खाकान अब्बासी आज डेरा भुट्टी का दौरा करेंगे। वजीर आजम सुई में अवामी जलसे से खिताब और कच्ची कैनाल की इफ्तताही तकरीब में शिरकत करेंगे। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ दौरा लंदन के बाद वतन वापस पहुंच गए। शहबाज शरीफ गुज़श्ता हफ्ते बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए गए थे। बयना पुलिस मुकाबला, 3 डाकू हलाक, 3 फरार हो गए। डाकू शहरी से ट्रक छीनकर फरार हो रहे थे, पुलिस का मौकिफ। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का एक्शन, 11 मुलजमान गिरफ्तार। मलेशिया की दारुल हुकूमत कुआलालंपुर में दारुल उलूम इत्तफाकिया स्कूल में खौफनाक आतिशबाजी, 23 तलबा समेत 25 अफराद जान बहक, 7 जख्मी हो गए। और वॉशिंगटन के फ्रीमैन हाई स्कूल में फायरिंग, 1 तालिबे इल्म हलाक, 3 जख्मी, वाकई के बाद इलाके के दीगर स्कूल्स को बंद कर दिया गया।